हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अविटेक में। मैं अभिषेक पांडे लेकर आया हूं आज आपके लिए फिर से एक प्यारी सी वीडियो। दोस्तों, अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से करते हैं दोस्तों, वहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ईएमआई का। दोस्तों, पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड पर ही ईएमआई होती थी, यानी जिनके पास क्रेडिट कार्ड है वही ईएमआई का यूज कर पाएंगे, ईएमआई का फायदा उठा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अभी रिसेंटली में इन दोनों ऐप्स ने, यानी कि फ्लिपकार्ट ने, अमेजन ने, डेबिट कार्ड पर भी ईएमआई देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तब आप डेबिट कार्ड ईएमआई का ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप वहां पर अपना कार्ड एंटर करते हैं तो वहां पर लिख कर आ जाता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डेबिट कार्ड ईएमआई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे चेक करें कि आप डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बस आपको हमारा वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपको मिलती रहे। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जब कभी भी अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट पर आपको कोई मोबाइल या फिर कोई और प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, आपके पास पैसे भी नहीं होते और आपके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं होता, लेकिन दोस्तों वहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डेबिट कार्ड ईएमआई का। लेकिन दोस्तों, जब आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, डेबिट कार्ड ईएमआई वाले ऑप्शन को, वहां पर लिख कर आया था यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डेबिट कार्ड ईएमआई। दोस्तों, इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो आपकी बैंक ही डेबिट कार्ड की ईएमआई के लिए एलिजिबल ना हो, दूसरा आप खुद डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल ना हो। दोस्तों, पहले नंबर पर बात कर लेते हैं कौन कौन सी बैंक डेबिट कार्ड ईएमआई की सर्विस अवेलेबल कराती है। दोस्तों, नंबर एक पर आती है एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अपने कस्टमर्स को डेबिट कार्ड ईएमआई की सर्विस अवेलेबल कराती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है आईसीआईसी बैंक, तीसरे नंबर पर एचडीएफसी और चौथे नंबर पर एक्सिस बैंक। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ चार बैंक ही हैं जो आपको डेबिट कार्ड ईएमआई की सर्विस अवेलेबल कराती है। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट इन चारों से अलग बैंक में है तो आप डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दोस्तों, अगर अब आपका सेविंग अकाउंट इन चारों बैंकों में से किसी एक भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है तो आप डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों, अब इसको कैसे चेक करना है, आपको सिंपली अपना फोन लेना है, फोन के मैसेज बॉक्स को ओपन करना है और वहां पर आपको टाइप करना है, सारा कुछ कैपिटल में ही टाइप करना है, डीसी ईएमआई, यानी डीसी का मतलब दोस्तों डेबिट कार्ड, ईएमआई का मतलब इजी मंथली इंस्टॉलमेंट या फिर इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी डीसी ईएमआई। अब दोस्तों, आपको यहां पर स्पेस देना है और अपने डेबिट कार्ड के लास्ट के फोर डिजिट आपको टाइप करने हैं और दोस्तों इसको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सेंड कर देना। किस नंबर पर सेंड करना है दोस्तों, यहां पर बैंक के अकॉर्डिंग आपके पास नंबर आ रहे होंगे, आपको उसी नंबर पर सेंड कर देना। लेकिन दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आपके मोबाइल में, यानी कि जो आपका सिम यूज कर रहे हैं उसमें आपका यानी मेन बैलेंस होना चाहिए और दूसरी बात, आपका जो नंबर हो वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों, आप जैसे ही मैसेज भेजेंगे तो आपके पास कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा कि आप डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। दोस्तों, अगर आप जानना यह भी चाहते हैं कि कैसे अपने आप को एलिजिबल करें डेबिट कार्ड की ईएमआई के लिए, दोस्तों आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।